पहले मेरा जाना हुआ फ्लोरेंस, इटली के रीजन टस्कनी में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है फ्लोरेंस। और फ्लोरेंस के बारे में ये मशहूर है कि वो अपने कल्चर, रेनेसांस आर्ट और आर्किटेक्चर की वजह से काफ़ी मशहूर है। तो भाई अभी हम फ्लोरेंस पहुंच चुके हैं और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, बस का वेट कर रहा हूँ। और यहाँ तक आने के लिए हमें थोड़ी क्वारी करनी पड़ी, पर चलता है क्योंकि यहाँ पे ट्रेन लाइन पे काम हो रहा है, तो इस वजह से मेरी ट्रेन थोड़ी डिले थी, 1 आवर ट्रेन डिले हुई है और उसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, पर वी आर स्टिल ऑन टाइम। तो देखते हैं अब क्या होता है। अभी मुझे एक बस लेनी है और फिर मैं जो है वहाँ इंडस्ट्री पहुँच जाऊँगा। तो मेरा जाना हुआ फ्लोरेंस सिर्फ घूमने के लिए नहीं, मैं गया था उनके वहाँ पे, एक फाउंडेशन है जिसका नाम है लाजियो फाउंडेशन। वो जो है वो वहाँ पे जकार्ड के ऊपर काम करते हैं। अब जिनको नहीं पता जकार्ड के बारे में, उनके लिए थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री में बताया था। जकार्ड एक मैकेनिकल लूम है जिस पे जो है कॉम्प्लेक्स जो फैब्रिक पे आप डिज़ाइन देखते हैं वो हम आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए हम पंच कार्ड यूज़ करते हैं। वो पंच कार्ड जो है वो डिज़ाइन का रेफरेंस होता है, वो पंच कार्ड्स के ऊपर होता है। उन पंच कार्ड्स को है जो हम डिज़ाइन के तौर पर यूज़ करते हैं वो मशीन में फीड करते हैं और वो मशीन जो है वो फैब्रिक के ऊपर एग्जैक्टली वही डिज़ाइन जो है वो हमें बना कर देती है। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं और हम उसी की तरफ, इंडस्ट्री की तरफ ही जा रहे हैं। और यहाँ का आप वेदर चेक करें तो भाई क्वाइट अमेजिंग। तो हम गए थे लाजियो फाउंडेशन जहाँ पे जो है जकार्ड के ऊपर काम किया जाता है, मैनुअल जकार्ड के ऊपर काम किया जाता है क्योंकि वो कंप्यूटराइज नहीं है। उसके ऊपर जो पंच कार्ड हैं, पंच कार्ड से लेकर पूरा प्रोसेस जो है वो खुद ही मैनुअली किया जाता है। तो इसके बारे में ये मशहूर है कि यहाँ पे जो है वो सिल्क के ऊपर काम करते हैं, प्योरली सिल्क के ऊपर काम करते हैं। सिल्क के थ्रेड से लेकर फैब्रिक तक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के ऊपर ये ज़्यादा काम करते हैं। तो इसके पीछे एक रीज़न है क्योंकि 90s और 80s में यूरोप में जो है वो यहाँ के वीवर जो हैं वो वीविंग में काफ़ी एडवांस थे एज़ कम्पेयर टू सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर जो है वीविंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया जाता था। तो वीविंग से रिलेटेड जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको यूरोप में काफ़ी ज़्यादा काम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको फैब्रिक्स में जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। लाजियो फाउंडेशन जाने के बाद हम गए सिटी सेंटर। सिटी सेंटर हमने फ्लोरेंस जो है वो थोड़ा एक्सप्लोर किया। हमने जो है मेन जगहें जो है फ्लोरेंस की वो देखी, उनके जो है बड़ा जो उनका चर्च है वहाँ पे हम गए वो देखा। उसके बाद जो है हमने मेन जो टूरिस्ट साइट्स हैं वो देखी। उसके बाद हम एक हाई पॉइंट पर गए, माउंटेन एरिया है, वहाँ से पूरा शहर नज़र आता है और वो नज़ारा जो है भाई वो बहुत ही कोई आउट क्लास नज़ारा था। फ्लोरेंस के बारे में एक चीज़ ये भी मशहूर है कि वहाँ पे जो ब्रांड्स हैं उनके वहाँ पे म्यूज़ियम्स हैं।
जो आपके फेमस ब्रांड्स हैं, सल्वाटोरे फेरागामो हो गया, गुची हो गया, आपका एडिडास हो गया, उनके वहाँ पे म्यूजियम्स हैं जहाँ पे उन्होंने अपने जो है सारी हिस्ट्री जो है सारी एक्सप्लेन की है, और उस म्यूजियम में है जो है उनकी जो 19th century, 18th century की जो कलेक्शन है वो डिस्प्ले पे लगी हुई है। तो हम गए थे सल्वाटोरे फेरागामो, तो हमने वहाँ पे जो है उनके म्यूजियम में उनकी सारी हिस्ट्री देखी, उनकी चीज़ें देखी, तो भी हम आपको अभी दिखाते हैं। ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। तो ये था भाई फ्लोरेंस का शहर, काफ़ी छोटा सा सिटी है पर खूबसूरत काफ़ी ज़्यादा है, और मुझे तो फ्लोरेंस का शहर बहुत अमेजिंग लगा। अगर मैं ज़्यादा प्रेफर करूँ रोम से ज़्यादा रहने में, तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा फ्लोरेंस को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा सा सिटी है और काफ़ी चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, और सबसे बड़ी बात टूरिस्ट इन्फ्लक्स सबसे ज़्यादा है वहाँ पे फ्लोरेंस में, क्योंकि वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो है ज्वेलरी शॉप्स बहुत ज़्यादा है फ्लोरेंस में, आपको ज्वेलरी बहुत देखने को मिलेगी फ्लोरेंस में, इसी वजह से जो है टूरिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं फ्लोरेंस में। तो होपफुली फ्लोरेंस का शहर आपको पसंद आया होगा। आज तक के लिए इतना ही था, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, उम्रो यार आउट। मीट माय फ्रेंड फ्रांचेस्का। चाओ। हेलो।